स्कूलों की तातीलात के हवाले से तातीलात का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, 14 अगस्त तक कर दिया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है ऑन कॉल अलीम कुरैशी साहब, आप चेयरमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैं। अलीम साहब, आपको शो में वेलकम करेंगे सबसे पहले। जज़ाकअल्लाह। अलीम कुरैशी साहब, क्या समझते हैं, अचानक से परवाना आता है और स्कूल खुलने थे 1 अगस्त से, अब स्कूल खुलेंगे 15 अगस्त से, बच्चों की तालीम पर किस हद तक असर पड़ेगा? हाँ, बच्चों की तालीम पे तो असल में ये जो फैसला किया गया है, जी ये फैसला जो है वजीर तालीम की तरफ से है, और उन्होंने जो मद्देनजर रखा है वो ये रखा है कि ये जो बारिशें हो रही है सिंध में, पूरे सिंध में, कराची में, इंटीरियर सिंध में बारिशें हो रही है, गर्मी की लहर है, इसको मद्देनजर रखते हुए नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये फैसला किया गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है, ये चीज देखी जाए तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि देखिए 15 तारीख से स्कूल खुलेंगे, 15 को गालिबन जो है वो थर्सडे है, जुमेरात है, उसके बाद है जुमा, बच्चे तो आएंगे नहीं जुमेरात जुमे को, अमूमन अक्सरियत नहीं आती, फिर हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो उसके बाद पीर से कुछ बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, समझ ले कि ये रेगुलराइज होना मुश्किल हो जाएगा। वैसे 160 डेज वर्किंग डे थे हमारे जो पढ़ाने के, उसमें से ये 15 दिन आप निकाल दीजिए, उसके बाद अगर कुछ इजाफा होता है तो वो अलग हो जाता है, तो बच्चों की तालीम तो बहरहाल मुतासिर होगी, ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि तालीम तो मुतासिर होगी कि बच्चे जो है, देखिए कैनेडा के अंदर -50 टेम्परेचर वो होता है, टेम्परेचर होता है -50, जिसको इंसान जो है किस तरीके से सर्वाइव करता है, वहां पर बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, और हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा सा बच्चों की तालीम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए था, बिल्कुल तो बच्चों की तालीम जो है ना वो मुतासिर होती है अच्छी खासी। बच्चों का क्या है, बच्चे तो खुशी मनाते हैं, मतलब छुट्टियां होती है तो बच्चों को तो खुशी होती है, बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी हो जाती है, छुट्टी हो गई है, तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत का फैसला है, उसको कुछ वो भी नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल एक ग्राउंड रियलिटी है, आपने मुझसे पूछी तो वो तो यही है कि बच्चों की तालीम का हर्ज होगा, बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। वैसे ही वर्किंग डे मैंने आपको बताया कि तरह काम है, और इसमें बच्चे किस तरह से पढ़ पाएंगे, और 2 महीने की छुट्टियों के बाद फिर 15 दिन का इजाफा हो गया। सही। अलीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती तजिए से हमें आगाह किया। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।